अच्छा, जो अब टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एमसीक्यूज में बड़े आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब याद रखना ये 10 बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं आप लोगों को लिखवाने लगा हूँ। ये 10 फॉर्मूले जो हैं ये आपको याद होने चाहिए और ये फॉर्मूले एज इट इज़ अपनी फॉर्म में होने चाहिए। जैसे अगर मैं बता रहा हूँ साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है तो फिर साइन का इंटीग्रल ही होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर लिखा होगा तो उसका इंटीग्रल माइनस कॉस स्क्वायर नहीं होगा। तो जो मैं लिखवाऊंगा एग्जैक्ट वही अगर फॉर्म होगी तब आप इंटीग्रेट करोगे, वरना बाकी में वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ज़रा हम देख लेते हैं पहले 10 कौन से फॉर्मूले हैं। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है साइन। अच्छा, इनको भी मैं वही करवा रहा हूँ जैसे मैंने डेरिवेटिव में करवाया था, क्योंकि स्टूडेंट्स को याद है कि साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस। अच्छा, अगर कहीं साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो वो लिख देंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर और ये गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज हो गया ना, पहले एंगल एक्स था अब एंगल एक्स स्क्वायर हो गया। तो जब एंगल चेंज होता है तो आपको एक वर्किंग करनी पड़ती है यहाँ पे, तो वो वर्किंग स्टूडेंट के जहन में नहीं होती। तो दैट्स वाई मैं इसको जनरल फॉर्म में करवाऊंगा। किस तरह? कि साइन के एंगल को मैं एफ लिख रहा हूँ। अब जब बात एफ की जाए तो एफ का मतलब कुछ भी, एक्सपोनेंशियल कोई आ जाए, लॉगरिथमिक आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, मतलब एंगल के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, अच्छा कोई अलजेब्रिक आ जाए, वो सब एफ से लिखे हैं। तो अगर इसके एंगल में कोई भी एफ आ गया तो उस एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साथ पे मौजूद होगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो एंगल का डेरिवेटिव साथ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइन एफ और एफ का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे और साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस एफ, मतलब जो इसका एंगल है वही कॉस का एंगल होगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा फॉर्मूला जो है वो कॉस का है। वही बात है कि अगर कॉस का जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो कॉस का इंटीग्रल होता है साइन और आप प्लस सी लगा दोगे। फिर तीसरे पे आ जाओ, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट वही है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा लेकिन आप लोग जहन में रख लेना कि एंगल के डेरिवेटिव साथ होने चाहिए और एग्जैक्ट यही फॉर्म आनी चाहिए कि कॉस हो तो कॉस का डेरिवेटिव साइन है। अगर कॉस स्क्वायर हो गया तो फिर आपको बाकी काम करने पड़ेंगे, ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा उसके ऊपर। टेंजेंट का इंटीग्रल होता है एल एन सेक प्लस सी, फिर है कॉट, कॉट का इंटीग्रल होता है एल एन साइन एफ प्लस सी। अच्छा जी, उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला है कोसेक सेक का, कि सेक एफ उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसका आंसर होता है एल एन सेक प्लस टेंजेंट और एंड पे आप प्लस सी लगा देते हो। जो यहाँ पे एंगल है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए तो आंसर में क्या होगा एल एन सेक टेंजेंट, सेक प्लस टेंजेंट। जो इसका एंगल है वो इसका एंगल भी हो जाएगा और वो टेंजेंट का भी एंगल हो जाएगा, मतलब सेम एंगल होंगे इनके। इसका ये भी फॉर्मूला होता है और स्टूडेंट ने मुझसे बहुत सवाल पूछा हुआ है कि इसका एक और भी फॉर्मूला होता है और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में उन्होंने वो वाला फॉर्मूला लिखा होता है। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने ये वाला याद किया होता है, लिखा हुआ कुछ और होता है। तो इसका दूसरा जो है ना वो ज़रा देख लो, दूसरा फॉर्मूला क्या है, एल एन टेंजेंट एफ अपॉन टू प्लस पाई बाई फोर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही है, बुक पेज नंबर 200 पे मौजूद है, मतलब 200 पे सब फॉर्मूले। हाँ, यही वाला फॉर्मूला है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, बताता हूँ। जैसे लेट कर लो आपके पास आ रहा है sec 2x, आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो भाई एंगल यहाँ पे क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, क्या मौजूद है यहाँ पे 2? नहीं, तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब जो एंगल है sec, एंगल जो है 2x उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, अब आप इंटीग्रेट कर दो। sec का इंटीग्रल क्या होता है ln sec प्लस टेंजेंट, ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो तो ये भी हो सकता है। ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है ln tangent
एफ अपॉन टू, एफ मतलब जो एंगल मौजूद है, एंगल यहाँ पे 2x है तो 2x अपॉन टू, फिर लिखा हुआ है प्लस पाई बाय फोर, प्लस पाई बाय फोर प्लस सी। 2x अपॉन टू को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, x लिख सकते हो, लेकिन कहने का मकसद है कि ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ऑप्शंस में जो भी इन दोनों में से मौजूद है वो इसका राइट हो जाएगा। अगर ये मौजूद है तो आप इस पर टिक करोगे, अगर वो मौजूद है तो उस पर टिक करोगे। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, अगर एक साथ होंगे तो फिर बोथ का ऑप्शन भी होगा, वरना नॉर्मली अलग अलग ही होते हैं। तो ये जहन में रखना दोनों इसके फॉर्मूले हैं। इसी तरह जो छठा फॉर्मूला है उसके भी यही सीन है, कॉस एक्स, उसका भी है कि एंगल का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो आंसर हो जाएगा ln cosec। अच्छा, इसमें sec प्लस टेंजेंट था, इसमें cosec माइनस cot है, तो एक तो आंसर इसका ये है ln cosec माइनस cot, और एक आंसर है इसका ln टेंजेंट f अपॉन टू, जो भी एंगल होगा डिवाइडेड बाय टू। अच्छा, छह फॉर्मूले हैं, अब मजीद चार और हैं, वो आपके लिए समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। मतलब इन शुरू के दो को भी मैं वैसे समझा सकता था, लेकिन ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है इनको वैसे समझना। लेकिन अब जो फॉर्मूले हैं वो थोड़ा आप डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट से सीख सकते हो। कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि जो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन मौजूद है, आप ये देखो कि किसका डेरिवेटिव है, तो आप इस तरह पहचान सकते हो उसका आंसर। ज़रा देख लेते हैं, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मौजूद है सेक स्क्वायर, sec स्क्वायर f, तो मुझे बताओ sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था। sec स्क्वायर डेरिवेटिव होता था टेंजेंट का। तो शर्त देख लेना, अगर एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट है तो sec स्क्वायर डेरिवेटिव होता था टेंजेंट का, तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा। तो आप इस तरह भी फॉर्मूले को याद रख सकते हो, या वैसे भी याद रख लोगे sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, टेंजेंट के बराबर होता है। इसी तरह आपने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर, अगर आपको याद हो जो कॉट का डेरिवेटिव होता था वो माइनस कॉसेक स्क्वायर होता था, तो कॉसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, माइनस कॉट का। मतलब अगर आप कॉट का डेरिवेटिव लो तो माइनस कॉसेक स्क्वायर आएगा, और अगर माइनस कॉट का लेते तो कॉसेक स्क्वायर आता। तो कॉसेक स्क्वायर डेरिवेटिव था माइनस कॉट का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट हो जाएगा। इस तरह याद कर लो, या डायरेक्ट बाकी आप जैसे फॉर्मूले याद रख रहे हो वैसे भी याद कर सकते हो उसको। अच्छा, उसके बाद ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा, मुझे बताओ ऐसे किस फंक्शन का डेरिवेटिव था सेक और टेंजेंट। किसी स्टूडेंट को पता है तो बता दो, सेक और टेंजेंट किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता था। यार वैसे हद हो गई है, तुम लोग के बोर्ड एग्जाम होने वाले, तुम लोग को यही नहीं पता sec tangent किसका डेरिवेटिव है। sec tangent डेरिवेटिव होता है sec का, जो मैंने आप लोगों को छह फॉर्मूले करवाए थे ना डेरिवेटिव के, उसमें पांचवा फॉर्मूला था sec का डेरिवेटिव। तो sec का डेरिवेटिव होता था sec tangent, तो sec tangent का अगर इंटीग्रल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, sec आ जाएगा। मैंने बताया था इंटीग्रेशन अगर मजबूत चाहिए तो डेरिवेटिव मजबूत होने चाहिए, वरना इंटीग्रेशन सीखना फालतू है। इसी तरह आपने वहां पे देखा होगा कि कोसेक का डेरिवेटिव होता था माइनस कॉट कोसेक, ठीक है, तो माइनस कोसेक का डेरिवेटिव था कॉट कोसेक, तो कॉट कोसेक का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक। मतलब बिल्कुल रिवर्स है, वहां पे कोसेक का डेरिवेटिव था माइनस कॉट कोसेक, तो यहां पे कोसेक कॉट का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कोसेक, क्योंकि एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव्स हैं, इंटीग्रल जो है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। तो ये 10 फॉर्मूले हैं, बड़े काम के हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अगर ये आपको पता है तो लाइफ आपकी इजी है, अगर नहीं पता तो आपको मुश्किलात होंगी। अब कुछ ट्रिक्स होती हैं, लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ट्रिक्स होती हैं जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, जीरो से लेके पाई बाय टू, तो ये काम आपके कैलकुलेटर में हो जाता है। लेकिन जब भी आप किसी इंटीग्रल को, खासतौर पर जो डेफिनेट वाला है, उसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी काम करते हो वो रेडियन के अंदर कर रहे होते हो, जीरो से लेके पाई बाय फोर। आपने कभी अपने लिमिट डिग्री के अंदर देखी है पूरी इंटीग्रेशन में, नहीं, रेडियन के अंदर होती है। तो अपने कैलकुलेटर को पहले रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना, उसके बाद कोई भी सवाल सॉल्व करना है डेफिनेट वाला,
क्योंकि इनडेफिनिट कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं होता, डेफिनेट वाला होता है। तो आप पहले अपने कैलकुलेटर को रेडी में कन्वर्ट करना, उसके बाद डेफिनेट वाले को सॉल्व करना। तो इसमें आपको ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप एनएडी वाले हो, आपके पास कैलकुलेटर है, एनएडी में भी होता है, दाऊद यूनिवर्सिटी में भी होता है कैलकुलेटर, तो आपको इतना इशू नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हो उसको। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? कुछ सवाल है तो पूछ लो, ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट हो गए, मैं कुछ एग्जांपल एक तो दे दूंगा चलो, ताकि मजीद क्लियर हो जाए। आप लोग अपनी अगर बुक पे आओ ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 6.3 का, वो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। उसके शुरू के जो 12-13 पार्ट है ना, उनको आप लोग ट्राई करो, वो सारे यही हैं, इसी तरीके से आप सॉल्व करते हो, यही सारे फॉर्मूले लग रहे हैं 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के। आप शुरू के 11-12 पार्ट कर लो, आपको इंटीग्रेशन की बेसिक समझ आ जाएगी पूरी, कि किस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो। यही सारे जो 10 फॉर्मूले मैंने लिखवाए, यही वहाँ पर लग रहे होते हैं। तो आप लोग ट्राई कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तो प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक का ही है, लेकिन उसमें सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो एनएडी में भी नहीं आते इतने। मे बी कोई आ जाए एनएडी में, तो इस टाइप वाला आएगा कि आपको बोल देंगे कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रल निकालो, या आपके पास आ जाएगा कॉस क्यूब का इंटीग्रल निकालो। तो ये उन्हीं में मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो ना, उसके शुरू के 2-3-4 पार्ट देखो, उसमें आपको मिल जाएंगे साइन स्क्वायर, कॉस क्यूब या कॉस स्क्वायर। तो वहाँ पे हम, आप देख लेना टेक्निक आप लगाते क्या हो, मैं हल्की सी रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपके जहन में हो जाए कि जब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर मौजूद हो तो इनको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जस्ट साइन का इंटीग्रल पता है या कॉस का इंटीग्रल पता है, आपको इनके स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं पता। तो इन पर आप ये वाले फॉर्मूले यूज़ करते हो कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos 2x upon 4k, नहीं upon 2k, ठीक है? तो आप साइन स्क्वायर की जगह ये लिख देते हो। अब इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी इजी होता है, मैं आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप लोग वहाँ पे देख लेना। आप यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करते हो, आप 2 जो है 1 के नीचे भी लिखते हो, 2 जो है वो आप cos 2x के नीचे भी लिखते हो। अब आपके लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाती है, क्योंकि जब आप दोनों पर इंटीग्रल अप्लाई करोगे तो 1/2 का इंटीग्रल, मतलब 1/2 को साइड पे करना, dx का इंटीग्रल x होता है। मैं चलो ये बता देता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक दो सवाल करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पता नहीं आपने कैसे पढ़े हुए ये। कि आप वही इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी, आप दोनों पे इंटीग्रल अप्लाई करो, आप 1/2 पे भी इंटीग्रल dx अप्लाई करो, आप cos 2x / 2 पे भी इंटीग्रल अप्लाई करो। अब ये 1/2 आपके काम का नहीं है, इसको बाहर कर दो। dx का इंटीग्रल जो है वो x के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/2x। इसी तरह इस वाले 2 को आप बाहर कर दो। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? अंदर मौजूद है cos, cos का इंटीग्रल तो आपको पता है sin होता है, लेकिन मसला ये है कि इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ नहीं है। एंगल 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 होगा। तो आप अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, और बाहर जो आप डिवाइड करवाओगे ना, वो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप पेंसिल से काम करना अपने एग्जाम में, क्योंकि आपको पूरे स्टेप दोबारा नहीं लिखने, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आप उसी चीज़ को मिटा दो, या पेंसिल से जब आप लिखते हो तो हल्का सा होता है, आप दोबारा जब उसके ऊपर लिखोगे तो ज़ोर से लिखो, आपको समझ आ जाएगा। पेन में लिखोगे तो कचरा हो जाएगा पूरा। तो पेंसिल से लिखना, पहले 2 जो है वो ये वाला था, 4 कैसे हुआ? जब आप एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट कर रहे थे तो आपको 2 को डिवाइड करना पड़ा था, तो ये 4 हो गया था। तो आप डायरेक्ट ये काम करना, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे कैसे? कॉस का इंटीग्रल क्या होता है? साइन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2x + c। ये काम करते थे आप। इसी तरह अगर आपके पास कॉस स्क्वायर आ जाए, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना 1 - cos 2x / 2। अगर कॉस स्क्वायर आ जाए तो उसका फॉर्मूला ये होता है 1 + cos 2x / 2। साइन स्क्वायर में दरमियान में नेगेटिव आता है, कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले में दरमियान में पॉजिटिव आता है। बहरहाल ये फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए, वरना आप वो क्वेश्चन 5 कर ही नहीं सकते 6.3 का। तो ये देख लेना, आप लोग रिवाइज कर लेना। और मैं एक और बस आखिरी चीज़ बता देता हूँ कि अगर ऑड पावर मौजूद हो यहाँ पर, तो
तो अब फिर आप ये फॉर्मूले नहीं लगाते, तो फिर आप क्या काम करते हो, फिर आप इस पर वो बेसिक प्रॉपर्टी लगा देते हो जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, कि सबसे पहले आप साइन क्यूब को इस तरह लिख दो कि एक साइन उससे अलग कर लो, फिर आप साइन स्क्वायर प्रॉपर्टी लगा देना कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos² के, साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos² के। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 10 के अंदर फर्स्ट ईयर। उसके बाद आप दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर, सॉरी ये साइन था, ये मैंने अजीब से लिखा हुआ है, साइन एक्स डी एक्स था ये, तो साइन स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया 1 - cos² और बाहर वाला साइन जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, तो इस साइन को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये साइन अपनी जगह पे आ जाएगा, और इस साइन को अगर आप -cos² से करो तो ये चीज़ हो जाएगी। अब कैसे इंटीग्रेट करोगे? अब कुछ टीचर जो हैं मैंने देखा है मेजॉरिटी बल्कि गाइड्स में भी यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वो यहाँ पे यू लेट कर लेते हैं, यू लेट करके डिफ्रेंशिएट करके मुश्किल सा प्रोसेस बन जाता है वो, चलो सवाल में तो काम आ जाएगा लेकिन एमसीक्यूज में वो आपके लंबे चौड़े स्टेप बन जाते हैं, तो मैं अपने बच्चों को वो करवाता ही नहीं हूँ। मैं शुरू से पावर रूल आप लोगों को समझाया है, यहाँ पे आप पावर रूल ही यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे वो मैं बता देता हूँ। साइन का तो इंटीग्रल आपको पता है माइनस कॉस होता है, इसका तो मसला ही नहीं है। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, आप ये देखो कि यहाँ पे जो स्क्वायर है पावर मौजूद है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक ही बात है, टू आप यहाँ पे लिखो या ब्रैकेट लगा के लिखो एक ही बात होती है। तो मौजूद है यहाँ पे कॉस स्क्वायर, पावर रूल आप लगा दो क्योंकि पावर मौजूद है, बेस यहाँ पे क्या है कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन आपके पास मौजूद है माइनस आपको चाहिए, तो ज़रा देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मौजूद था पहले साइन एक्स, मैंने अपनी तरफ से माइनस लगा दिया, क्यों, क्योंकि पावर रूल मुझे ये कहता है कि बेस का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो बेस का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस मैंने अगर अंदर लगाया तो माइनस मुझे बाहर भी लगाना पड़ेगा, तो बाहर वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इस पर पावर रूल लगा सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर ऐड करो 3, नीचे भी 3 प्लस सी, तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा -cos x + cos³x / 3। तो जब ऑड पावर आती है तो फिर आप ये वाली टेक्निक यूज़ करते हो, और अगर इवन पावर आती है तो जो मैंने पहले फॉर्मूले बताए ना आप वो यूज़ करके सॉल्व करते हो। बाकी आप 6.3 लाजमी सॉल्व कर लेना क्योंकि 6.3 और 6.1 खास तौर पे 6.3 क्योंकि 6.1 के टॉपिक 6.3 में भी लग रहे हैं। 6.3 में ये समझ लो 60-70% आपकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो रही है, उसके बाद जो इंटीग्रेशन है ना वो अपनी आप इतनी नॉर्मल लाइफ में देखोगे नहीं। नॉर्मल लाइफ का मेरा मतलब कि अगर आप जब डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ोगे ना आगे जाके यूनिवर्सिटी में तो वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। जो 6.3 है ना एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक पावर रूल एलन वाला रूल ये आपके मेजॉरिटी जगह पे लग रहा होता है, तो 6.3 लाजमी उसको सॉल्व कर लो, ये सब सवाल जो है आपको समझ आ जाएंगे, ये कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर तो 6.3 का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, बस एक टॉपिक रह गया और वो टॉपिक था रेडिकल्स वाला। 6.3 में काफ़ी फॉर्मूले लिखे हुए, अगर आप पेज नंबर 200 और 201 पे जाओ ना तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, आपको कोई फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज में इतने बड़े आते ही नहीं हैं। तो बस तीन फॉर्मूले आपने याद रखने, जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनके सवाल आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वो तीन फॉर्मूले कौन से हैं, साइन इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, सेक इनवर्स वाले, तो उनको समझ लो ज़रा गौर से। टॉपिक इसको कह सकते हैं इंटीग्रल इन्वॉल्विंग रेडिकल्स, जिसके अंदर रेडिकल्स आ रहे हैं, रेडिकल्स मतलब स्क्वायर रूट कह लो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला है और उसको मैं वही जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्म बेस्ट होती है, हल्की पुल्की चेंजिंग और स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या, डिनोमिनेटर देखो ज़रा, डिनोमिनेटर में होना चाहिए भाई 1 - फंक्शन का स्क्वायर, ज़रा फॉर्म देखना उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, पहले आप देखते हो कि भाई ये फॉर्म मैच कर रही है सवाल से या नहीं कर रही। तो फॉर्म क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो, 1 - एक फंक्शन का स्क्वायर हो, जिस फंक्शन का स्क्वायर लिया हुआ है ना उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। डेरिवेटिव आपने पावर को छोड़ के लेना है, लोग एफ स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर ढूंढ रहे होते हैं, एफ स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं,
स्क्वायर को इग्नोर करना, जो नीचे एफ लिखा हुआ है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अगर ये शर्त कंप्लीट हो रही है तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दोगे। इसका फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स एफ अपॉन ए, सॉरी यहां पे मैं ए लिख रहा हूं, जो कांस्टेंट है वो कोई भी ए मौजूद होगा उसका आप स्क्वायर कर दो तो वो यहां पे ए आ जाएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये जो सवाल है ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं वहीं से आप लोगों को करवा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 6 डी एक्स। सिंपल सी बात है, पहले डिनोमिनेटर को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको दिखने में लग रहा है स्क्वायर है तो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये रूट है, आप 1 को तो 1 का स्क्वायर ही लिखोगे, एक्स 6 को स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्स 6 को आप लिख सकते हो एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर करो दोबारा एक्स 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या देखते हो, जो स्क्वायर के नीचे फंक्शन होता था उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। यहां पे स्क्वायर के नीचे क्या मौजूद है? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब देखो जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो साइन इनवर्स वाला। फॉर्मूला क्या कहता है? ये 1/3 तो साइड पे रखो, फॉर्मूला कहता है साइन इनवर्स जो फंक्शन है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए, ए यहां पे 1 है और एंड पे प्लस सी लगा दोगे। इनवर्स फंक्शन की आप इंटीग्रेशन के कोई फॉर्मूले पढ़ोगे नहीं। इनवर्स अगर जस्ट लिखा हुआ है आपके पास साइन इनवर्स का इंटीग्रल या टेंजेंट इनवर्स का इंटीग्रल, तो इसके कोई फॉर्मूले नहीं है। इनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं, जिनके क्वेश्चन आपको 6.7 में मिल जाएंगे, लेकिन उनके फॉर्मूले नहीं है जो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, वो डेरिवेटिव में थे, इंटीग्रल के अंदर नहीं होते। हाँ मैं बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले उसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है ना आपने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप देखोगे स्क्वायर को इग्नोर करो, नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, ऊपर मौजूद था एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, ऊपर 3 मौजूद नहीं था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आंसर क्या होगा? इस 1/3 को तो एज इट इज लिख दो, आंसर होगा साइन इनवर्स फंक्शन अपॉन ए। तो फंक्शन यहाँ पे एक्स क्यूब है वो लिख दिया, और ए यहाँ पे 1 है वो लिख दिया, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला है। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे वाले की फॉर्म थोड़ी इजी है, इसमें रूट नहीं होता, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। जो भी नीचे फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अगर ये पूरी शर्त कंप्लीट हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स एफ अपॉन ए प्लस सी। इसका भी एक सवाल कर लेते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 है, इसको भी देख लो। ये है x dx डिवाइडेड बाय x 4+3। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा था, सर इस पे डिनोमिनेटर में पावर मौजूद नहीं है तो हम ln वाला लगा लेते हैं। तो मैंने कहा बेटा लगा लो ln वाला। तो ln वाला कैसे लगाओगे आप? x 4 मौजूद है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो x 4 का डेरिवेटिव होता है 4x³। तो एक्स क्यूब कहाँ से लाओगे? ऊपर तो x मौजूद है, एक्स क्यूब तो आप नहीं ला सकते कहीं से भी। तो ये वजह है हम इस पे एलन वाला यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो अब आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, एक्स तो मौजूद है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो फिर यहाँ पे एलन वाला लग जाता। अच्छा, डिनोमिनेटर को आप स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 को इस तरह ब्रेक करोगे ना। अब 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जबरदस्ती इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आप लिखो √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 के बराबर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा जब, तो और ऊपर जो है वो एज इट इज लिख दो। अब देखो शर्त वही कंप्लीट हो रही है, नीचे एक कांस्टेंट है उसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, प्लस एक फंक्शन है उसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। बस अब आखिरी चीज क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए।
फंक्शन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ऊपर क्या मौजूद है x, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इस फॉर्मूले की सारी शराइत कंप्लीट हो गई है, अब आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन a, a यहां पे क्या है रूट थ्री, फिर फॉर्मूला कहता है टेंजेंट इनवर्स फंक्शन अपॉन a, फंक्शन यहां पे है एक्स स्क्वायर और a यहां पे है रूट थ्री प्लस सी। और इन सब में मुश्किल वाला फॉर्मूला जो है वो sec इनवर्स वाला है। उसकी फॉर्म क्या होती है, जैसे साइन इनवर्स में होता है ना कांस्टेंट माइनस फंक्शन, तो इसमें फंक्शन माइनस कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें बाहर भी एक फंक्शन मौजूद होता है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर उस फंक्शन का स्क्वायर होता है माइनस में कांस्टेंट का स्क्वायर होता है। क्या होता है, सबसे पहले एक फंक्शन मौजूद है, सेम फंक्शन का रूट के अंदर स्क्वायर लिया होगा आपने, उसके साथ माइनस में कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, और ये दोनों जो फंक्शन है इनका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा। ठीक है, ये दोनों पहली बात एक जैसे होने चाहिए, मतलब अंदर जो फंक्शन है उसी फंक्शन का ऊपर स्क्वायर होना चाहिए और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। अगर ये शराइत कंप्लीट हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एफ अपॉन ए प्लस सी। अब इसका भी मैं एक सवाल करवा देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाए, और ये वो वाहि सवाल है इंटीग्रेशन में, आप लोगों के पूरे चैप्टर 6 में मुझे नहीं याद कि इस जैसा कोई और क्वेश्चन है। ये वाहिद क्वेश्चन है जिसके अंदर, अच्छा यही तरीका नहीं है इसका, बाकी तरीकों से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये वो वाहिद सवाल है जहाँ तक मेरी नॉलेज है पूरी इंटीग्रेशन में आपकी बुक में, कि जिसमें आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे दोनों आपके काम के होंगे, किसी को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन पहले जहन में रखो आप पहचानोगे कैसे, देखो सेक इनवर्स में अंदर भी फंक्शन होता है बाहर भी होता है, तो आप फौरन पहचान जाओगे। दूसरी चीज़, सेक इनवर्स में फंक्शन माइनस कांस्टेंट होता है, तो देखो फंक्शन माइनस कांस्टेंट आ रहा है, साइन इनवर्स में कांस्टेंट माइनस फंक्शन होता है, तो इस तरह आप पहचान सकते हो कि इस पर कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। लेकिन ज़्यादातर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों के कहीं ना कहीं जहन में सवाल आ रहा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये काम करना है, तो मैं बहुत दफ़ा जवाब देता हूँ स्टूडेंट को, ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आज आप हमें देख रहे हो, जो अच्छा मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, चलो कह लेते हैं 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो टीचर 20-25 साल से करते हुए आ रहे हैं आप उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो यार ये इसको पता चल रहा है मुझे क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि टाइम लगेगा आपको। आपको इंटीग्रेशन करते हुए कितना टाइम हुआ है, अभी कितना टाइम दिया आपने इंटीग्रेशन को, पूरे 1 साल भी नहीं दिया आपने, 1 साल के अंदर भी 1-2 महीने आपने इंटीग्रेशन सीखी होगी बस, तो 1-2 महीने सीखने से आपको क्या लगता है कि आप फौरन पहचान जाओगे, मतलब आप टीचर के लेवल पर पहुँच जाओगे, मतलब अगर आप टाइम दो तो पहुंच सकते हो। कितने ऐसे सीनियर टीचर्स हैं जिन्होंने टाइम नहीं दिया हुआ, बस वो लगे हुए बस 25-30 साल से वो लग गए, लेकिन कितने आपको जूनियर टीचर मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छा समझाएंगे, क्यों, क्योंकि वो पैशनेट है, उन्होंने किए ही काम उसके अंदर है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप 4 साल इंटीग्रेशन ही करते रहो तो आप मास्टर बन जाओगे। तो ये सवाल आप लोगों के जहन में आएगा, इसका एक ही जवाब है कि प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा क्या करना है। मेरे सामने अगर आप 100 इंटीग्रेशन के सवाल लाओगे तो मैं 90 कर लूँगा, 10 में फंस जाऊँगा, एवरेज बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो 10 ऐसे सवाल होंगे जो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे, कंसिडर कर लो। तो जो आप पहली दफ़ा देखते हो डेफिनेटली आपको मसला होगा, तो सब मसला ये है कि भाई प्रैक्टिस करो तो आप सीख जाओगे क्या किस जगह पे आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एलन वाला नहीं हो सकता, तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप सोचोगे यार कि डिनोमिनेटर का ऊपर नहीं है, तो एट द एंड प्रैक्टिस पे आ जाती है सारी बात। दूसरा कुछ अंडरस्टैंडिंग पे भी होती है, सारी बात प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपने इन फॉर्मूलों को सही तरीके से समझा ही नहीं है तो जितनी भी प्रैक्टिस कर लो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बहरहाल अब इस पर आ जाओ, सबसे पहले तो यार आपने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहला काम आपका ये होना चाहिए। तो आप ज़रा इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक्स फोर जो है इसको लिखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 को तो आप स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अंदर जो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो स्क्वायर को छोड़ो, नीचे जो फंक्शन है और जो बाहर फंक्शन है वो दोनों सेम होने चाहिए। अब ऊपर जो स्क्वायर है उसको छोड़ो, नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, लेकिन बाहर क्या मौजूद है एक्स, ये दोनों सेम तो नहीं है। अगर अंदर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो बाहर भी क्या होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। तो इस ज़रूरत के तहत आपको नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए,
x मौजूद है तो आप क्या करोगे, नीचे x से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आपने नीचे x से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, कि जब दोबारा आप x को इससे कैंसिल करोगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो आपको नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी, आपको ऊपर भी करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे आपने वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भी आपके काम का है, वो आपको आगे समझ आ जाएगा। पहले तो हम ये पहली वाली शर्त है ना उसको कंप्लीट कर रहे हैं, कि जो इधर लिखा हुआ था सेम चीज आपने बाहर लिख ली, अंदर एक्स स्क्वायर था बाहर भी एक्स स्क्वायर मौजूद है। अब दूसरी शर्त क्या थी कि ये दोनों सेम होने चाहिए, इनके डेरिवेटिव न्यूमरेटर के अंदर होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो ऊपर x मौजूद है, 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये वो वाहिद सवाल था जिसमें नीचे वाला x भी काम का है, ऊपर वाला x भी काम का है, तो आपका सवाल हल हो गया। अब जो नीचे फंक्शन है सेम वही बाहर मौजूद है और सेम उनका डेरिवेटिव न्यूमरेटर के अंदर मौजूद है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला कहता है, अच्छा इस 1/2 को अपने जगह पे रहने दो, इस सवाल को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ ताकि आप लोगों को फ़र्क पता चले कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। 4 लिख रहा हूँ मैं, तो 4 को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 1/2 है ना, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। फॉर्मूला कहता है 1/a, a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे 2 है, तो इसलिए मैंने किया है कि ये 1/2 इस इंटीग्रल का है और ये जो 1/2 है ये इस फॉर्मूले का है, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है 1/a और a यहाँ पे 2 है, तो ये इन दोनों में ये फर्क है पूरा। फिर है sec inverse, sec inverse function upon a, function यहाँ पे क्या है x square upon a, a यहाँ पे 2 है और आगे आप लगा दोगे plus c। तो ये डिटेल में मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए, उनके साथ साथ 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। ये मुश्किल एग्जाम्पल्स हैं, एमसीक्यूज़ में इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएंगी, एमसीक्यूज़ में आप आसानी से कर सकते हो।